कृष्णा, तो कितना सुंदर नज़ारा है ये प्रकृति का। ये उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है, श्रीनगर कहते हैं। जम्मू वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड वाला श्रीनगर। सिर्फ हरियाली हरियाली, हरे भरे पहाड़ पहाड़, और इन पहाड़ों के बीच में ये छोटे छोटे से मकान। कितना सुंदर है ना, ये छोटे छोटे घर रह रहे हैं लोग। छोटे तो नहीं, खैर काफ़ी बड़े होंगे तो काफ़ी दूर है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है ना, पर बेहद खूबसूरत ही है। कहते हैं जो सुकून प्रकृति के बीच में होता है, इन वादियों में होता है, वो क्राउडेड सिटी दिल्ली मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ नहीं होता है। और ये सच है जो मैं यहाँ आके महसूस कर रहा हूँ। बहुत रिकवरी हो जाएगी हेल्थ की काफ़ी, जो उधर शरीर जला जाए पोल्यूशन में। काफ़ी अच्छा और सुंदर दृश्य है ये, जो कि जितना देखो उतना कम लगता है, मतलब आँखें हटती हटती नहीं यहाँ से। बहुत ही सुंदर, बेहद सुंदर, देख सकते हैं किस तरह से ये विशाल विशाल ये पर्वत हैं, और इन विशाल पर्वतों के बीच में ये हमारे देशवासी जो कि अपना गुजारा कर रहे हैं, रह रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हरी बोल, प्रकृति जगत की जय, धरती आसमान की जय। मतलब भगवान ने इतना सुंदर हमें जगह दिया है ये। और अगर आप विज़िट करते हैं दिल्ली मुंबई बेंगलुरु जैसे सिटीज़ में, तो क्या ऐसा माहौल नहीं दिखेगा भैया। हरियाली तो दिखेगी नहीं, बहुत कम जो पार्क्स वगैरह होते हैं वहीं, मतलब चारों साइड से पहाड़ ही पहाड़ और हरे भरे पहाड़, और इसमें ये रहते हुए लोग काफ़ी सुंदर है। और जहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ निवास स्थान, ये भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर, ये भगवा केसरी कलर, सैफ्रॉन पूरा भगवा कर रहा हुआ है महाराज जी ने। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है ये घर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ। तो आप जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप आइए ऐसे जगह पे, जाइए घूमिए प्रकृति के बीच में, मेडिटेशन कीजिए। बहुत ही अच्छा, जय 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 जाए जाए। नहीं है कमी भैया, पहाड़ों की कमी नहीं है यहाँ, सुकून की कमी नहीं। जितना भी कैमरा घुमाओ कमी लगता है। आप लोगों को तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा फ़ोन के कैमरे में, पर हाँ अगर लाइव इधर रहते हो ना, कसम से जाने का दिल नहीं करेगा, जाने का इच्छा नहीं होगी। बहुत ही सुंदर है ये जगह, बहुत ही अद्भुत नज़ारा प्रकृति का। उत्तराखंड श्रीनगर, जय श्री राम।